वेलकम माय यूट्यूब चैनल गंगा सागर ब्लॉग। दोस्तों अभी जो है कमरे का लुक थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रखा है, सेट करना है कमरा, अभी किया नहीं हुआ ढंग से यार, टाइम मिलता नहीं है, आपको पता ही है बैचलर लाइफ क्या होती है। तो गाइज मैं अभी बताना चाहूँगा कि कल रात मैंने किचन सेटअप किया और सामान मैं लेकर आया अपना। देखो अभी सामान ऐसे फैला, देखो अभी दिखाऊँगा आपको मैं क्या क्या सामान लाया हूँ। सामान सारा ऐसे फैला, आटा ऐसे फैला है, देखो अभी कुछ सेट नहीं किया है, करूँगा क्योंकि अब मैं किचन का जो है खाना वाना यहाँ पर बनाया करूँगा। तो गाइज मैंने अभी जो है ना अभी गैस को दोबारा के जो है बिल्कुल रेडी कर दिया है। देखिए अब सामने खाना बनाने के लिए रेडी कर दिया गैस को, यानी कि मेरा मन थोड़ा सफाई जो है ना ज़्यादा चाहिए मुझे, तो मैंने पूरी सफाई की इसकी पहले, उसके बाद मैंने गैस और सिलेंडर लगा दिया। और देख सकते हैं दोस्तों मैंने ऊपर अपना किचन कैसे सेटअप किया, देखिए इतना मस्त लुक दे रखा है। अकेले हूँ, अकेले में मैंने अपना काम कर रखा सारा, देखिए पूरा रेडी करके। अब कमरे को भी सेटअप करना क्योंकि मैं सुबह चले जाता हूँ, तो शाम को आता हूँ 9 बजे तक कमरे पर आता हूँ, थोड़ा सा कंपनी दूर है तो जिस कारण थोड़ा टाइम लग जाता है। तो गाइज आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा ब्लॉग मैं आजकल बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा है बहुत जल्दी मैं आप लोगों को जो है फिर से पहले की तरह टूर कराया करूँगा। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि दोबारा से गंगा सागर ब्लॉग चैनल जो है पहले की तरह आगे बढ़े, और आगे तभी बढ़ सकता है जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा मुझे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कराएं, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे आपका इतना प्यार चाहिए कि मेरा चैनल दोबारा से एक बार फिर से ऊँचाइयों की बुलंदियों पर पहुँच जाए। तो गाइज मैं आपको जो है बताना चाहूँगा, आपको यहाँ हरिद्वार के, इस समय मैं हरिद्वार में हूँ, तो हरिद्वार के सभी मंदिरों का आपको दर्शन कराने वाला हूँ अपने चैनल पे, और मेरा सफ़र बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और मैं हरिद्वार के गंगा आरती से लेकर के हर चीज़ आपको अपने चैनल पे दिखाया करूँगा। तो गाइज प्लीज़ आप लोग से मेरा निवेदन है अधिक से अधिक जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो नहीं किए हुए हैं, और जो भी न्यू मेंबर जुड़ते हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है मेरे संग जुड़ें और मेरी वीडियो को शेयर करें भी, मुझे आप लोगों का एक शेयर की ज़रूरत है और आप लोगों का मुझे पूरा प्यार चाहिए दोस्तों प्लीज़। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं अपने चैनल पे अब सिर्फ आपको मैं दिखूंगा अकेले, और मेरे चैनल पे आपको दूसरा कोई नहीं दिखेगा, और जब दिखेगा तब दिखेगा, टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन दिखेगा ज़रूर, और थोड़ा सा वेट करने की देरी है आपको, लेकिन तब तक सस्पेंस है कि मेरे चैनल पर कौन आएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अभी मैं जो है अपने रूम पे अकेला, बिल्कुल अकेला, तन्हा, बिल्कुल तन्हा, कहते हैं ना तन्हा तन्हा जीते थे, तो वही वाला हिसाब मेरे संग भी चल रहा है इसमें। तो गाइज मैं सुबह चले आता हूँ ड्यूटी अपना, कितने बजे, 7 बजे, 7 बजे घर से निकल लेता हूँ, शाम को आता हूँ 9 बजे, यानी कि दूर है कंपनी थोड़ा, तो यार थोड़ा टाइम लग जाता है, खाना वाना खा पी के आता हूँ। तो लेकिन अब मैंने अपने कमरे पे जो है ना खाने पीने का सेटअप सारा रेडी कर दिया है क्योंकि सामान तो मेरे पास सारा कुछ था ही, तो गाइस ख़राब हो रहा था, तो अब मैं एक्चुअली मैं कल कुछ सामान भी लेकर आया, तो अब करते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको अपनी बिल्डिंग का जो है एक बार पूरा सफ़र कराऊँगा कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, इस बिल्डिंग का नाम है व्हाइट हाउस। तो गाइस आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाटक देखा होगा ना, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाटक में जो भी है, यानी कि अपना गोकुल धाम है ना उनका, गोकुल धाम जहाँ पे जो है मतलब वो पूरे कलाकार लोग रहते हैं, तो वैसा ही ये भी बहुत बड़ी कॉलोनी है, और आपको मैं इस गोकुल धाम के जो है दर्शन कराने वाला हूँ बहुत जल्दी। काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, कम से कम 100 से 200 किरायादार तो इसी मेरी बिल्डिंग पर रहते होंगे, और मेरा रूम नंबर है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो गाइस आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा रूम नंबर है 65, मेरा रूम नंबर है 65, आप देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है गाइस ये, तो देख सकते हैं, और आपको बहुत जल्दी मैं अपने यहाँ पे जो है घुमाने वाला हूँ, अपने इस बिल्डिंग के दर्शन कराने वाला हूँ कि कहाँ कितना बड़ा है। तो गाइस बने रहें मेरे ब्लॉग में,